नहीं आते, क्या होंगे मैं आए नॉट, मेरे स्कूल में भी नहीं आए, ब्लैक लिस्टेड हो गए थे। कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। चलो हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट? यस मैम हो गई। ओके बच्चे लेट ज्वाइन मत किया करो, ठीक है, ट्राई टू बी लिटल अर्ली बेटा, ठीक है। मैंने आपको एक ग्रुप का लिंक शेयर किया है, आप प्लीज इसमें ऐड हो जाओ, इसमें हम अपना डाउट सोल्व किया करेंगे, ठीक है। जो अभी नए बच्चे ज्वाइन किए हैं उनके लिए बोल रही हूँ, कोई बात नहीं जुनेद, बट नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना। जागृति आप भी बेटा, ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है सॉल्यूशन में। तो जब मैंने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे पहली क्लास फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सॉल्यूशन होता क्या है, है ना। हमने सिंपल बोला कि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट का, ये बोल के बस इतना खत्म कर दिया था। फिर हमने होमोजीनियस और हेटरोजीनियस के बीच में डिफरेंस देख लिया था। फिर हमारा जो मेन वाला काम था फर्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी तक हमारी दो ही क्लास हुई है, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बता दिए थे, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता दिया था, है ना, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है तुम्हारी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये आप ध्यान रखेंगे। नॉर्मैलिटी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मैलिटी के क्वेश्चन नहीं आते अब नीट में, ठीक है। बट क्योंकि इलेवंथ का जो फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट है उसमें आप नॉर्मैलिटी डिटेल में पढ़ते हो, तो नॉर्मैलिटी आपको आना चाहिए, और आप लोगों को आता भी था, है ना। पीपीएम से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मेन अपन को फोकस किस पे करना है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी पे, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करवा सकती थी मैंने उतने क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में करवाए, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को मॉड्यूल भी शेयर किया है, ठीक है, उसमें से भी आप क्वेश्चन लगाना, हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे हो जाएंगे, नहीं, कुछ ना कुछ पक्का डाउट आएगा और वही हमें सॉल्व करने हैं कि हम कहाँ फंस रहे हैं, है ना, ठीक है। तो जब मैं आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स करा रही थी तो मैंने आपको कुछ रिलेशनशिप भी लिखवाए थे, मोलैरिटी मोलैलिटी के बीच में, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन के बीच में, है ना, मोलैरिटी डेंसिटी वगैरह के बीच में, मास परसेंटेज और मोलैरिटी के बीच में। तो ये रिलेशन बड़े काम आने वाले हैं, अगर किसी को याद हो गए तो उसके तो मोजे ही मोजे, ठीक है। 25 बच्चे ध्यान से सुनना, जिन्होंने अभी तक मेरे दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाओ और वीडियो लेक्चर्स देख लो, ठीक है जी, ओके। हाँ, जिसने वो रिलेशनशिप कर लिए वो तो मजे मजे, और जिसने नहीं किए तो कर लेना, वैसे टेंशन वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि अब हमें क्या करना है, बोर्ड के लिए तो आप लोग पढ़ाई कर लोगे, थोड़ी मैं भी हेल्प करूंगी जब पेपर आने वाले होंगे, लेकिन हमारा जो मेन जो मोटिव है, जो हम आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, वो क्या है, नीट को क्रैक करना है और अच्छा रैंक ला के भैया हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, ठीक है जी। चलो, तो इतना मैंने दो क्लासेस में करवाया था, सेकंड क्लास में हमने जितना पॉसिबल हो सका मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा दी। अभी भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे नए जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, हेनरीज लॉ रहेगा। वैसे ये देखने में तो इतना सारा लिख दिया है इन्होंने, हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर, आइडियल, नॉन आइडियल, एजियोट्रोप, इतना बहुत छोटे छोटे हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, निपटाने को मैं मैं सारे टॉपिक निपटा दूंगी, मेरे को एक मिनट नहीं लगेगा और समझ भी आ जाएगा तुम लोगों को, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ बीच बीच में क्वेश्चन भी आप लोग करो। तो पहला चैप्टर है, फर्स्ट इंटरेक्शन आप लोगों का, मेरे साथ मिले नहीं हो, दो बार ही मिले हो, तो मैं धीरे धीरे ही अभी स्लो चलूंगी, जब आपको फील आने लगेगी केमिस्ट्री में तो मेरा थोड़ा पेस भी थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, अगर आप मेरे साथ सही बने रहे तो मैं आज वेपर प्रेशर बता दूंगी, नेक्स्ट क्लास से फिर मैं राउट लो शुरू करूंगी, जिसमें मैं राउट लो पहले आता है, आइडियल नॉन आइडियल बाद में आता है, फिर उसके बाद एजियोट्रोप आता है, ये इसका वो बिगड़ा हुआ है ऑर्डर, ठीक है। चल, हेनरीज लो देखो, अब लो है, लो का मतलब क्या है, जो इसने स्टेटमेंट दे दी, अरे गुंजन समझ ले बेटा, मेरे को पता है आता था, है ना, तुम सबको आता है बट समझ लो, है ना। अब हेनरीज लो क्या कहता है, मतलब ये लो है, इसने एक स्टेटमेंट दे दी हमें, वो तो याद करनी पड़ेगी, बट हमें उसको क्या करना पड़ेगा, समझ के याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो ये फिगर दिखाई दे रही है सबको,
यस मैम। ये क्या लिया हुआ है? मैंने एक बीकर लिया हुआ है। हाँ मोर इज द प्रेशर। अभी आ रही हूँ मैं और आ रही हूँ। सिर्फ ये एक ही लाइन याद करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा फील आने दो ना, पढ़ के आ रहे हैं ठीक है। तो ये एक बीकर है, बीकर के ऊपर लगा दिया मैंने ढक्कन। ढक्कन को मैं क्या बोल रही हूँ? पिस्टन। पिस्टन लगा दिया ठीक है। अच्छा इस कंटेनर में या मैं बोलू बीकर में क्या है आपका? क्या है? सॉल्यूशन है ठीक है। ये आपका ब्लू जो दिख रहा है भैया वो सॉल्वेंट है, और ऊपर क्या है? सरफेस पे गैस के पार्टिकल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स है ठीक है। अच्छा गैस के मॉलिक्यूल है ठीक है। अब मैं क्या करूंगी प्रेशर अप्लाई करूंगी। दिख रहा होगा प्रेशर मैं अप्लाई कर रही हूँ ऊपर से। तो जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगी तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, और जैसे ही मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल अपने मजे से अब घूम रहे थे पहले बिफोर अप्लाई के अंदर, अब प्रेशर अप्लाई करने से जो उनकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी के उसमें बोलू तो, सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में बोलू तो, मैं जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगी तो गैस के मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा सॉल्यूशन में क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी ठीक है। सॉल्युबिलिटी अगर मैं सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बोलूं तो क्या बोलूंगी? जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या समझो? जितने ज्यादा गैस के मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, बोलो ये दोनों चीजें समझ में आई? जितना सॉल्युबिलिटी जितना मोल फ्रैक्शन गैस का सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। चलो ये तो हमने समझ लिया इस फिगर के थ्रू। अब हम आते हैं हेनरीज लो, जो मैंने अभी ये बोला है आपको अपनी देसी भाषा में समझाया है, हेनरीज लो ने उसको किस तरीके से आपके सामने पेश किया है वो देखते हैं। उसने ये बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल प्रेशर? कोई मुझे बताएगा? एक बच्चा हैंड रेस कर लो। ओके वाह सबको पता है, क्या बात है। हाँ मनीषा बताओ। मैम जो गैस गैस के जितने मतलब गैस में जितना प्रेशर है ना उसका कितना पार्शियल प्रेशर उसके अंदर कंटेनर के अंदर है। अच्छा गायत्री गायत्री आयुष बोलना पड़ेगा अनम्यूट करके। बोलो अपने आप बोल दो। चलो साक्षी। मैम जैसे बहुत गैस तो गैस होती है उसमें बहुत सारे गैस है, लेकिन हम किसी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं, फिर कार्बन डाई किसी एक कंपाउंड का। वेरी गुड। जैसे इंडिविजुअल गैस का प्रेशर फिर बोलो। इंडिविजुअल गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया किसी अकेले गैस का। वेरी गुड। अगर मान लो मैंने एक बीकर में बहुत सारी गैसेस भरी हुई है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भरी हुई है, तो जिसका ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा वो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा है ना। अगर मान लो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, अगर ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वो उतना ही प्रेशर लगाएगा ठीक है। तो यानी कि इंडिविजुअल प्रेशर को ही मैं क्या बोल रही हूँ? पार्शियल प्रेशर। सिंपल तुम्हें आता था ये तो। यानी कि हेनरीज लो की डेफिनेशन क्या हो गई, उसका स्टेटमेंट क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, जितना मोल फ्रैक्शन होगा गैस का सॉल्यूशन में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पार्शियल प्रेशर। और क्या बोल सकती हूँ? सेम डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई ये कर दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जो बेसिकली वो किसके प्रोपोर्शन होगा? मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन देखा जाए ना ये सेकंड डेफिनेशन थी बच्चे हेनरीज लो की। मैम पहले उन्होंने सॉल्युबिलिटी पे प्रोपोर्शनल कहा था, इन्होंने सेकंड वाली डेफिनेशन ही याद करवाई है स्कूल में भी। हाँ लेकिन मैं आपको पहली वाली डेफिनेशन भी याद कराऊंगी। मैम वो दूसरे डाल्टन ने करे थे ना। हाँ तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने पेज स्लाइड एक वेकेंड करी थी। चलो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ लिख लो। यस लिखो लिखो। बोलू या मैं लिखू? गैस हाँ लिखो एक बार। सोल्युबिलिटी
या सिंपल ये लिखो, द मास ऑफ ए गैस, लिखो फर्स्ट डेफिनेशन है, द मास ऑफ ए गैस डिजोल्व द मास, मैं भी लिख देती हूँ, द मास ऑफ अ गैस, सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे, द मास ऑफ अ गैस डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, एक ही गैस है तो मैं प्रेशर लिख सकती हूँ, प्रेशर ऑफ ए गैस, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दू, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही गैस, गैस का मास तो होगा उतना ज्यादा वो डिजोल्व होगा, और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो क्या लगा दूंगी, वेरी गुड, यानी कि एक ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया है, तो यहाँ पे मेंशन करो व्हाट इज एम, व्हाट इज पी, व्हाट इज के, मेंशन करो एम यहाँ फॉर्मूला लिख के आऊंगी उसमें के एच को मैं हेनरी कॉन्स्टेंट बोलूंगी, इसको भी आप बोल सकते हो वैसे, ठीक है, के क्या है, कॉन्स्टेंट है जो किस पे डिपेंड करता है बच्चे, गैस का नेचर क्या है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, ठीक है, और आपका हेनरीज कॉन्स्टेंट भी तो इस पे डिपेंड करता है, वो मैं आगे चल के कराती हूँ, ठीक है, अच्छा ठीक है, यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ, ये इन्होंने पहले बना के दे दिया, छोड़ो सिंपल है, यहाँ देखो, तो जो सेकंड डेफिनेशन थी हेनरीज लॉ की उसके अकॉर्डिंग मैं बोल दूं कि जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन, काई बी, काई बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस भी तो गैस सोल्यूट है ना, जिसको सॉल्वेंट में, और जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पांच बच्चे रिस्पोंड कर रहे हैं बाकी सब, जिसको भी डाउट होगा रेज योर हैंड, बस आप लोगों के लिए मैं यहाँ आई हूँ डेढ़ घंटा, है ना, आप लोगों को ही कुछ सिखाना है और आप लोगों को भी सीख के जाना है, इससे पहले वाली क्लास किसकी थी, मैम साई सर की, एंजॉय कर रहे हो उनकी लेक्चर, यस मैम, यस मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, यस मैम सारी अच्छा पढ़ा रहे हैं, यस सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ठीक, यस ही इज वेरी गुड मैम, सर बिल्कुल फील दिलाते हैं फिजिक्स वाली एकदम अंदर तक डेप्थ में, यस मैम एकदम, चलो चलो रेगुलर आसान लग रहा है, 12th. आसान है, अरे इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, केमिकल काइनेटिक्स इक्विलिब्रियम के आगे तो कुछ नहीं है, ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम तो इजी था, हाइड्रोकार्बन इसके आगे ऑर्गेनिक में, इक्विलिब्रियम तो इजी था, ऑर्गेनिक तो सबसे इजी है भाई, ऑर्गेनिक तो इजी था मैम, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक तो बहुत ही इजी का टीचर है, बेकार चैप्टर था, अरे पढ़ लो भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या बच्चे, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, लिखो लिखो लिखो, पी इज व्हाट, और मैम जो KH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना मैम, काई भी इनवर्सली कांस्टेंट है ना सॉल्युबिलिटी और टेंपरेचर के, अरे भाई हाँ मैं बोल लूं, चलो हाँ मैम आप बोलो, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, अरे चुप रहो, पी क्या है, सारे अब ध्यान से सुनो, पी क्या है बच्चे, पार्शियल प्रेशर है, तो 11th में भी ऐसे ही बोलते थे क्या टीचर्स के साथ, हेनरीज कॉन्स्टेंट, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, लिखो बच्चे सारे सोल्यूट, मैम लिख लिया, एक फॉर्मूला ये आ गया, दो फॉर्मूले करवा दिए मैंने, यस मैम, यस मैम, ठीक है,
ओके, के एच किस पे डिपेंड करता है ये सब आप आगे देख लेंगे। अगर मान लो मैं पार्शियल प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा, जैसे इसमें एचसीएल का लिया हुआ है, तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी तो आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन आ रही है। यस मैम। स्ट्रेट लाइन कैसे आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ठीक है। तो यानी कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो वाई एक्सिस पे है। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, रीजॉइन कर लो बेटा अगर हो रही है तो, ठीक है। चलो काई क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा प्लस इंटरसेप्ट जीरो है। यस मैम, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो स्लोप क्या मिलेगा मुझे, kh मिलेगा और इंटरसेप्ट क्या है, जीरो, तभी ये क्या है ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आपको क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है गैस का, आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक चीज आप ये भी लिख सकते हो स्टार मार्क करके, कि जो आपका सोल्युबिलिटी है, आपने बोला ना जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी होगा, तो आप सोल्युबिलिटी को किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखो ये फॉर्मूले काम आएंगे, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, बेटा म्यूट कर लो, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ग्राम पर लीटर की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और मोल पर लीटर की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, किसको, सोल्युबिलिटी को। तो जो मैंने ये लिखा है, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इसको आप सोल्युबिलिटी भी बोल सकते हो, और इसको आप मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में तो मैंने दिखा दिया, मोल पर लीटर की टर्म्स में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो एंड ग्राम पर लीटर की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको ये बोला जाए कि आपके पास हेनरीज कॉन्स्टेंट दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन निकाल लो, कंसंट्रेशन किस में होनी चाहिए, मोल पर लीटर में होनी चाहिए, तो उसके लिए वो फॉर्मूला याद रखेंगे कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू kp, वेयर कंसंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर। बोलो हाँ या ना। हाँ, यस मैम। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं ये बोल रही हूँ बच्चे, अगर मान लो, कोई बात नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, अगर मान लो आपसे एग्जामिनर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता आया हुआ है ये नीट जेई में, कि आपके पास प्रेशर दिया हुआ है और आपके पास हेनरीज कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, मोल कंसंट्रेशन किसमें होगी, ध्यान रखना मोल पर लीटर में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, हमें ये नहीं देखना कि ये कहां से डिराइव होके आया, नहीं देखना है, सिर्फ ध्यान रखो C इज इक्वल टू के पी, क्लियर है। हाँ, K इज योर हेनरीज कॉन्स्टेंट, P इज योर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये निकालने के लिए बोल दिया, लेकिन उसने जो आंसर लिखा हुआ है, जो आपको एबीसीडी ऑप्शन आएंगे चार, उसमें जो उसने आंसर रिपोर्ट किया हुआ है वो ग्राम पर लीटर में किया हुआ है, क्या बोल गई मैं, अगर उसने आंसर ग्राम पर लीटर में रिपोर्ट किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, जो ये आंसर आएगा उसको क्या करोगे, मोलर मास से डिवाइड कर, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मोल पर लीटर इंटू मोलर मास किसमें होगा, ग्राम पर मोल, तो पर मोल से मोल कैंसिल, तो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम पर लीटर। बोलो हाँ या ना। यस मैम। चलो इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख लेते हैं, कहाँ लिखूं, नीचे ऊपर लिख दूं क्या, इफ इफ वी हैव टू रिपोर्ट आंसर इन ग्राम पर लीटर, देन we have to multiply concentration with molar mass of given gas, थोड़ा सा ये हो सकता है but आ जाएगा समझ अगर देखो, ठीक है। yes ma'am, ठीक है। yes ma'am, ठीक है। मैं एक बार पीछे वाले स्लाइड हाँ 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 ले लो ले लो ले लो।
ज्यादा दिन का चैप्टर नहीं है, 7-8 दिन तो लगाऊंगी इस चैप्टर पे, क्योंकि अभी राउटला में तुम्हें पढ़ना है आइडियल नॉन आइडियल, हेनरी से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आ जाता है, कुछ कह नहीं सकते। मन किया एग्जामिनर का तो देगा, नहीं किया तो नहीं देगा। अगर उसको ऐसा ही पेपर सेट करना है सॉल्यूशन में से जो अब तक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देगा। ठीक है, लिख लिया, आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, उसके बाद ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि हेनरीज लो क्या कहता है। हेनरीज कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बोला कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि आपके पास एक गैस है, अगर आप अलग अलग टेम्परेचर पे देख रहे हो तो हेनरीज कॉन्सेंट की वैल्यू उस पर्टिकुलर गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना KH की वैल्यू? ना, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो KH भी बढ़ेगा। मतलब अगर KH ज्यादा है तो इट मींस टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो अगर आप एक गैस की बात कर रहे हो, एक मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करो, एक 30 डिग्री सेल्सियस पे बात करो, तो 30 वाले का KH भी ज्यादा होगा। एंड व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी? तो जितना ज्यादा KH होगा उतना ज्यादा आपका कम सॉल्युबिलिटी होगी, जितना ज्यादा KH होगा उतना कम आपका सॉल्युबिलिटी होगा। ये कैसे आया? यहाँ से आया। ठीक है, ये जो टेम्परेचर वाला पॉइंट है कांस्टेंट प्रेशर पर है। कौन सा बेटा? मैम जो आपने बोला टेम्परेचर इंक्रीज करने पे KH इंक्रीज होगा, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा। हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है दीपक जी। मैम यस मैम, हीलियम की केएच ज्यादा होता है ना, 270 होता है इसका बेटा। मैम हीलियम का मैंने कहीं पढ़ा था, हीलियम का होता है 2700 200। यस मैम, मैंने लिखा भी, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैंने भी बुक से देख के लिखा है, तो ना मुझे ध्यान रखने की जरूरत है ना आपको, दिया जाएगा हम निकाल लेंगे। यानी कि इससे क्या पता चल गया बेटा, जितना ज्यादा KH होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या है, यूनिटलेस है। यस यस मैम, प्रेशर की यूनिट है वही किसकी होगी, KH की यूनिट है। यानी कि जो आपका हेनरीज कॉन्स्टेंट है, या तो वो किलो बार में मिलेगा या बार में मिलेगा या एटमोस्फेरिक, जो भी प्रेशर की यूनिट है जनरली आपको किलो बार में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यस मैम, इतना क्लियर हो गया? यस मैम। और यही रीजन है जो आपके एक्वेटिक स्पीसीज है, ठंडे पानी में आराम से रह सकते हैं, कंफर्टेबली रह सकते हैं। जो एक्वेटिक गर्म पानी में नहीं रह सकते वो क्यों नहीं रह सकते? सुन एक बार ना, चुप करो, मेरे को बोलना नहीं देते तुम लोग। क्योंकि ठंडे पानी में क्या है, मतलब टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम तो KH कम, KH कम तो सोल्युबिलिटी जो होगी ऑक्सीजन गैस की वो ज्यादा होगी पानी में। अगर सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो वो अच्छे से ब्रीथ कर सकती है। बट अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे और KH भी बढ़ा दोगे, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज। और जब ऑक्सीजन ही अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में, तो जो आपकी एक्वेटिक स्पीसीज है वो नहीं रहेंगी, नहीं बढ़ जाएंगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये दिखाया हुआ है, जो भी मैंने वो एक डायग्राम दिखाया था ना, वो इन्होंने इसके थ्रू एनसीआरटी का लगा के दिखाया हुआ है कि लो प्रेशर पे मजे से गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, लेकिन जब आप प्रेशर अप्लाई कर दोगे, ज्यादा प्रेशर जितना पहले था, तो उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है ना उसके हम न्यूमेरिकल, जो क्या बोलते हैं हम, जिससे न्यूमेरिकल बनते हैं वो वाले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, ओके मैम, यूनिट ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट, बच्चे जो प्रेशर की यूनिट होगी वही हेनरीज कॉन्स्टेंट की यूनिट होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, यूनिटलेस होता है। ठीक है, ओके तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला क्या देखा, यहीं पे लिख दूं क्या, चलो यहीं पे लिख देती हूँ, है ना, तुम तो समझ ही जाओगे। चलो
पहला था फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इन टू काई बी। यस मैम, काई भी निकालनी थी तो पी अपॉन के एच, मान लो के एच मान लो निकालना हो तो पी बाय काई भी। yes. कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोल दिया तो C is equal to KP। yes, और एक मैंने फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी मास ऑफ गैस जितना डिसोल्व करेगा जितना प्रेशर ऑफ गैस होगा, चार ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, एक मैंने अभी ये भी तो बताया कि जितना, ये तो तुम लोगों को पता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सोलिबिलिटी होगा। बोलो yes. ये लिख सकती हूँ कि पी वन बाय पी टू इज इक्वल टू एस वन बाय एस टू, बड़े काम का है, बड़े ही काम का। बोलो yes, ma'am. ठीक है, पी वन बाय पी टू इज इक्वल टू एस वन बाय एस टू, बहुत क्वेश्चन आएगा, मैं एक करवाऊंगी भी सही, मतलब आपको घर के लिए दूंगी इसी फॉर्मूले से रिलेटेड वो क्वेश्चन का। आगे चलू बेटा? अच्छा ओके, तो जितना मैंने तुम लोगों को समझाया है उसको ध्यान से सोचना और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना। अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन O2 का KH वैल्यू ज्यादा होगा या N2 का KH वैल्यू ज्यादा होगा, ऐसे नहीं बोलना क्लास में, N2 का, कोई बात नहीं, हैंड यूज कर लो, N2 का होता है। बाकी कोई है जो ऐसे बोलेगा कि O2 का होता है? चैट बॉक्स में आंसर दे दो तुम लोग। मैम N2 का होता है ज्यादा। हाँ ठीक बोल रहे हो, N2 का जो KH, N2 का N2, N2 बेटा N2, क्योंकि N2 जो होती है उसकी जो सोल्युबिलिटी होती है हमारे, अगर मैं बात मैम आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। नो मैम, नो मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है बेटा तुम्हारी साइड से, एक बार रीज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर मैं मान लो ये ग्राफ बनाती हूँ, इधर देखना, यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सॉलिबिलिटी, देखना एक बार, तो ये क्या होगा, N2 का होगा, ये O2 का होगा। मतलब अगर मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं देखूं तो N2 की सॉलिबिलिटी कम है, और सेम टेम्परेचर पे देखूं तो O2 की सॉलिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर सोल्युबिलिटी ज्यादा है O2 की, यानी कि KH की वैल्यू इसके केस में कम हो जाएगी और इसके केस में ज्यादा होगी, और आपको वैसे भी पता है कि हमारे ब्लड में नाइट्रोजन सोल्युबल नहीं, डिसोल्व नहीं होता है, सोल्युबल नहीं होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नहीं होता है तो फिर क्या होगा, सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, O2 की, और अगर सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो KH की वैल्यू कम। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है, अच्छा इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम ये देख लेते हैं बच्चे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा हेनरीज लो में। ठीक है, हम ये पढ़ किस में रहे बच्चे, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यही देख रहे हैं ना इतनी देर से। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सोल्युबिलिटी के ऊपर। तो ये मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था कि अगर मान लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको इरेज कर रही हूँ मैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी, बढ़ाओगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके मान लो बीकर में गैस के मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के मॉलिक्यूल तो एस्केप आउट हो जाएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। या आप इसको वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ली चैटेलियर प्रिंसिपल को, जैसे गैस है, सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन बना रहा है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो अगर आप, यस मैम, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है,
अब ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, जल्दी बोलो। बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका सोलिबिलिटी क्या हुआ, गैसेज इन लिक्विड डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, पहला तो यही इफेक्ट था। दूसरा आता है पॉइंट, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को पता है और रट्टा भी मार रखा होगा अच्छे वाला। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है तुम्हारा कोका कोला। तो मैंने क्या करी, फोटो लगा दी इसकी कोका कोला की। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये। आपको पता है, मैं ना वैसे लाने वाली थी बोतल कोका कोला की, बट फिर मैंने सोचा छोड़ो, है ना। अच्छा, आप लोगों को पता है जो आप बोतल लेते हो, पेप्सी की बोतल लेते हो, उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर अप्लाई करके CO2 गैस डिजोल्व की जाती है। मतलब आपने देखा होगा ऊपर से वो खाली होता है स्पेस थोड़ा, है ना, पूरी नहीं भरी। यस मैम। तो मतलब हाई प्रेशर के अंदर जो है CO2 डिजोल्व की जाती है। और मुझे आपको ये भी पता है और मुझे भी पता है कि जितना ज्यादा आपने प्रेशर अप्लाई किया है उतना ही ज्यादा गैस डिजोल्व हुई होगी, यानी कि बोतल के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आप बोतल का नोब ओपन करते हो तो एकदम से इस तरह से की आवाज आती है, जैसी भी आती है तुम ले लो, बड़ा अच्छा लगता है। एकदम से अंदर गटकते हो तो आ बड़ा मजा आता है तुम लोगों को, है ना। यानी कि जब आप उसको खोल रहे हो तो जो आपकी CO2 गैस है वो बाहर आ रही है। Why? क्योंकि बाहर का प्रेशर कम होता है, अंदर का प्रेशर कम है। और जैसे ही वो बाहर का, जैसे ही आप वो नोब खोल रहे हो, बिकॉज बाहर का प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वो CO2 गैस क्या है, बाहर आ रही है। यानी कि सोलिबिलिटी क्या है, अब CO2 की उसके अंदर कम हो जाएगी। प्रेशर ज्यादा, सोलिबिलिटी ज्यादा, प्रेशर कम, सोलिबिलिटी भी कम, सोलिबिलिटी। थोड़ी देर उसको ऐसे खुला छोड़ दो ढक्कन को खोल के, क्या बन जाएगा, सारी CO2 बाहर। मैम वो तो रसना बन जाएगा। फिर मजा नहीं आएगा, फिर टेस्टी नहीं आएगा। फिर तो मैम जो बाहर का प्रेशर होगा कोल्ड ड्रिंक का प्रेशर इक्वल हो जाएगा ना। हाँ तभी तो सोलिबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा था। फिर तो मजा ही नहीं आएगा पीने में, फेंक देते हो क्या फिर। मैम इसका मतलब तो ये हुआ सोलिबिलिटी जो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर मैम आपने बोला, जैसे क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी अगर बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी कम। कब बोला मैंने ये नहीं बोला, प्रेशर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी और प्रेशर कम होगा तो सोलिबिलिटी। ये कोका कोला की बोतल है, ठीक है ये पानी की बोतल, इसमें मैंने कोका कोला भरी हुई है बहुत सारी। ठीक है, हाई प्रेशर में आप जो गैस को डिजोल्व करते हो, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सोलिबिलिटी क्या होगी, CO2 की ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आप इसको खोलोगे, बाहर का प्रेशर लो है, अभी इसमें कोका कोला नहीं है, बाहर निकल के आएगी एकदम से जूम करके। ठीक है, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है, लो है, एकदम से CO2 गैस क्या है, बाहर निकल के आएगी, मतलब सोलिबिलिटी क्या हो चुकी है, अब कम हो चुकी है। और थोड़ी देर उसको खुला छोड़ दोगे तो रसना बन जाएगी, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला, तो वो क्या हो जाएगी, टेस्टलेस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, लाइंस याद नहीं रखनी है, ना आपसे कोई लाइंस पूछेगा, सीधा क्वेश्चन आता है, assertion and reason बन के आता है हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन से। ठीक है, फोटो लगाने के बाद क्या है, तुम लोगों को समझ में आ गया, क्या लिख सकती हूँ वैसे मैं यहाँ पे, अगर लिखना चाहूं, एट हाई प्रेशर सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन लिक्विड, या बोल सकते हो सॉल्वेंट इंक्रीजेस। बोलो। यस मैम। व्हेन वी ओपन द नोब ऑफ द बोतल, ठीक है, तो क्या बोलोगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लोअर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो आउटसाइड, जिसकी वजह से क्या होगी, बाहर निकल के आ जाएगी और क्या बन जाएगा, वो मजा नहीं आएगा फिर, रसना बन जाएगा, टेस्टलेस।
मैम पानी बन जाएगा फिर क्या ही मजाएगा पीने में, ठीक है रसना बन जाएगा, रसना मीठा मीठा बस रह जाएगा, ठीक है पैसे बाद हो जाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी स्कूबा डाइवर की, अब ध्यान से सुनना, तुम नहीं बोलोगे कुछ भी, ठीक है स्कूबा डाइवर की सुनो, मजे से जाते हैं पानी के अंदर, है ना? अच्छा सी लेवल जैसे आप नीचे जाओगे, सी लेवल जैसे आप ये ध्यान रखना, जैसे आप नीचे नीचे जाते प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे आप हाइट्स पे जाते जाओगे प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। अभी हम पहला केस ये बात करते हैं जब जो ये स्कूबा ड्राइवर है अंदर जा रहे हैं सी वॉटर में, ठीक है जिसने किया बहुत अच्छी बात है, ठीक है अंदर जाते हैं तो होता क्या है, जैसे वो धीरे 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 अंदर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है बढ़ने लगता है प्रेशर अगर हम इस स्टेज पे मैं यहाँ पे जिस प्रेशर पे अभी मैं फिलहाल जिस प्रेशर में मैं बैठी हूँ वहां पे मेरे अंदर सिर्फ क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रही हूँ, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस भी आ रही है, लेकिन जैसे मैं छोड़ रही हूँ तो नाइट्रोजन गैस भी जा रही है और ऑक्सीजन भी, ठीक है। अच्छा तो ऑक्सीजन गैस तो हमारा डिसोल्व हो जाती है बट नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में डिसोल्व नहीं होती है, ठीक है। लेकिन yes, जैसे नीचे नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, और हेनरी लोग ने क्या बोला वो यही बोलता है कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि जो नाइट्रोजन पहले मेरे ब्लड में डिसोल्व नहीं हो रही थी नीचे जाने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है मेरे ब्लड में क्या होने लग गई, डिसोल्व होने लग गई, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये नीचे तो रुकेगा नहीं, कहेगा भैया मेरे तो ब्लड में नाइट्रोजन डिसोल्व हो रही है मैं तो ऊपर जाऊंगा, तो वो क्या करते हैं जैसे ही वो ऊपर आते हैं, वैसे वो स्कूबा डाइवर धीरे धीरे ऊपर आना होता है सेफली, अगर आप बचना चाहते हो मरना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर आप एकदम से ऊपर आओगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन वेसल्स में क्या होंगे, बस के फॉर्म में इंक्रीज हो जाएंगे, जो डिसोल्व हुई थी नाइट्रोजन गैस अब वो निकल के आएगी, और जिसकी वजह से आपको कैसी डिसीज हो जाएगी, खून के पड़ जाएंगे, लाल लाल पे पड़ जाएंगे वगैरह डिसीज हो जाएगी, और क्या है इससे तो डेथ रिजल्ट्स भी रिपोर्टेड है, ठीक है तो समझ रहे हो। तो अगर आप सेफली ऊपर आना चाहते हो तो कैसे आओगे सेफली ऊपर, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे पैनिक करके आएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, धीरे धीरे करके आओगे तो धीरे धीरे करके नाइट्रोजन गैस जो है आपके ब्लड से निकल जाएगी, अगर एकदम से तेजी से आए तो भैया गए तुम लोग, ये बायो वाले मिक्सचर ऑफ गैसेस लेके जाते हैं ना अब, हां क्या हुआ, हां बोलिए, हीलियम जाता है बोलो मैम, स्कूबा जो डाइवर होते हैं मैम वो हीलियम गैस का प्रयोग क्यों करते हैं, हीलियम गैस की जरूरत क्यों पड़ती है, यस मैम अभी बता देती हूं मैम, अभी तो देखो पहले यहां पे लिखो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी एंड टू इंक्रीजेस बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की भी ध्यान रखना, ये बात मैं दोबारा रिपीट करूंगी, बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की भी क्योंकि गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। जब वो ऊपर आएगा तो इससे क्या होगा, प्रेशर एकदम से डिक्रीज होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, तो कैसी डिसीज हो जाएगी, वेंट्स नाम की डिसीज हो जाएगी, आपको पूरा लाइंस नहीं लिखना, सिर्फ ये पिक्चर देखोगे कभी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या आना है, सेफली आना है, तो इस वजह से ये जो स्कूबा डाइवर है वो क्या लेके जाते हैं पीछे, ऑक्सीजन, एक्चुअल में उनके सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, तीन चीजें होती है, चुप पहले मैं बोलूंगी सुन लेना, ऑक्सीजन तो होती ही होती है, साथ में वो हीलियम भी लेके जाते हैं, और साथ ही साथ वो नाइट्रोजन भी लेके जाते हैं। अगर मैं तुम्हें उनका परसेंटेज लिख के दूं, परसेंटेज कितना होता है एक बार लिखना, फिर मैं बताऊंगी कि क्यों क्या है। हीलियम तो मैम 11.7%, नाइट्रोजन का 56.2%, ऑक्सीजन का 32.1%, ठीक है। आपको ये लर्न करना है, मुझे इसका परसेंटेज कंपोजिशन लर्न नहीं है अब, लेकिन आप लोगों को करना है क्योंकि डायरेक्ट पेपर में आने लग गए इससे क्वेश्चन, है ना डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे आप नीचे जा रहे हो सोल्युबिलिटी बढ़ रही है नाइट्रोजन की, बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की भी, और आपको पता है ज्यादा ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए मैं क्या लेके जा रही हूँ, N2 लेके जा रही हूँ साथ में, है ना, N2 की अबंडेंस ज्यादा है ऑक्सीजन से नेचर में, ठीक है। लेकिन हमें पता है भैया नाइट्रोजन भी बड़ा टॉक्सिक होता है, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए मैं क्या डाइल्यूट यूज करती हूँ, यहाँ पे हीलियम, हीलियम,
ठीक है, तो तीनों का परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, 11.7% हीलियम का, 56.2% नाइट्रोजन का, एंड 32. समथिंग जो भी है परसेंटेज आप O2 का उस सिलेंडर में भर के लेके जाते हो। और ध्यान रखना, अगर कोई स्कूबा डाइविंग करने जा रहा है तो आराम आराम से प्यार प्यार से ऊपर आना, ताकि जो आपके ब्लड में डिजोल्व हो चुकी है नाइट्रोजन, वो धीरे धीरे करके वो आराम से वहां से निकल जाए, वरना तो वापिस नहीं आओगे तुम लोग। ठीक है, कीप गिविंग मी थम्स अप अगर समझ में आ रहा है तो, थम्स अप दे सकते हो, वर्ड दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप जब ये बोलते हो तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है। ठीक है जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मैम, आ रही है वॉइस। अच्छा, एक और है एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन क्या है इसकी, माउंटेन पे जाके जब सांस नहीं ले पाते, पहाड़ों पे गए हो, प्रेशर कम, हिल स्टेशन पे गए हो, हाँ, एनोक्सिया नाम की डिजीज हो जाती है। वाई एनोक्सिया नाम की डिजीज हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, अभी मैंने बोला नीचे प्रेशर कम हो जाता, नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाओगे हाइट पे तो भैया प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, एक टाइम पे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन, अगर प्रेशर ही कम, तो मतलब जो हमारे ऑक्सीजन में हमें जरूरत थी, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही थी वो, लेकिन ऊपर जाने से अब वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, नहीं ले पाओगे तो क्या करोगे, सांस ब्रीथ नहीं कर पाओगे, अगर ब्रीथ नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, फिर कैसी कैसी वॉमिट जैसा फील होगा, हेडेक होगा, चक्कर आएगा, ये सब चीजें होंगी। मैम, जो लोग जनरली पहाड़ों पर रहते हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। सुनो, मैं बताती हूँ, देखो पहाड़ों पे जो रहते हैं ना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहते पहली बात, और उनको क्या हो जाती है ना, हैबिट हो जाती है इन चीजों की, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी खाते हैं। अगर तुमने सोचा होगा, जो पहाड़ी लोग होते हैं वो हमसे थोड़ा डिफरेंट खाना भी खाते हैं, सुना है ना, हाँ, तो वहां पे क्या होता है, इतनी ऊपर नहीं खाते हैं। मैम पूछ रही क्या खाते हैं, मैं तुम्हें पूछ के बताऊंगी, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनसे, ठीक है, ठीक है, उनका खाना हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, तो वही है, दिक्कत तो होती है, जैसे मेरी फ्रेंड है ना पहाड़ी, तो वो बोलती है कि हम लोग जाते हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, हाँ, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं, वो इतने सालों से वहां पे रह रहे हैं। बहुत लद्दाख जैसी जगह चले जाओगे भाई, वहां पे तो उसको भी मुश्किल होगी पूछना उससे, गई है क्या लद्दाख वो, ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर हो गया सब कुछ, यस मैम, यस मैम, ओके, क्लियर हो गया, तो लेट्स डू अ क्वेश्चन, चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है ये समझने की कोशिश करना, पहले मैं बोल रही हूँ, H2S है जो कि टॉक्सिक गैस है बच्चे, रोटर सारा वो फॉर्मूला पता है ना जो मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, वो ध्यान रखना, यस मैम, रोटल सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है H2S की, कभी करो अब अपने लैब में करोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे ना आप H2S गैस पास करोगे, सॉल्ट एनालिसिस में, हाँ, सॉल्ट एनालिसिस में क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसको बोलते हैं, HCl की बहुत बुरी होती है, ठीक है, खड़े नहीं हो पाओगे लैब में H2S होगा तो, चलो सुनो, इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो बोल रहे हैं, इफ सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन वॉटर एट STP इज 0.15 मोलैलिटी, उन्होंने सोलिबिलिटी को मोलैलिटी की टर्म्स में दे दिया है ना, कितना 0.195 मोलैलिटी, या इसका मतलब क्या होगा मैम, 0.195 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, बताओ, 1 kg solvent, ठीक है, अच्छा, आपसे बोला है कैलकुलेट हेनरीज कॉन्स्टेंट, तो पहले तो हम वही लगाएंगे जो लगाते हैं, क्या लगाएंगे, P = KH × KB, तो ऐसे, और प्रेशर भी उसका होगा, ओके, तो अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रेशर तो दे नहीं रखा, अब नहीं दे रखा तो हम उसको एचटीपी पे क्या मानेंगे, आपको पता ना एचटीपी इज व्हाट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि प्रेशर कितना है, 180, ठीक है, KH नहीं पता है, 10⁵, अच्छा, KH पता है क्या हमें, नहीं पता है, और ना ही हमें, no, ma'am. तो हमें
क्या करना पड़ेगा, ये निकाल के आना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन। तो मैम मोल फ्रैक्शन को तो आपने फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्लास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यस मैम। बोलो हाँ या ना? यस मोल है 1.95 और वाटर के लिए कितने हैं 1 लीटर में, जल्दी बताओ। 55.5 जल्दी से इसको सोल्व करके बताओ, या एक काम करो 0.55 के कंपैरिजन में इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दो, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में 0.0035 आ गया इतना सबका। यस मैम। यहाँ से KH निकाल दो, आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। 282 इसको बार में रखेंगे ना, बार में कन्वर्ट कर दो। वैसे 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है अप्रोक्सीमेट, 1.01325 होता है, इसको हम कैलकुलेशन में 1 बार के ज्यादा फर्क नहीं होता, तो आप ये याद रखेंगे कभी कैलकुलेशन में फंसो तो ये यूज कर लेना, बच के निकल जाओगे वहां से, ठीक है। यस मैम। 282 बार आंसर आ जाएगा इसका। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया तो रेज योर हैंड बच्चा, जस्ट रेज योर हैंड। किसने हैंड रेज किया है? जागृति क्या समझ में नहीं आया बच्चा? मैम उसके अंदर ही लास्ट में 282 वाला चीज समझ नहीं आया। बेटा 1 को डिवाइड किया ना 0.0035 से, उसका आंसर आया 285 बार। सबका 285 है क्या? मैम वो बार की पूरी वैल्यू रखेंगे ना। हाँ, बार की तुमने 1.0325 ऐसा कुछ रखा होगा तभी, ठीक है। अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर को 1 बार ले लू तो इतना ही आंसर आ जाएगा। जागृति क्या अब बोलो, अब क्या समझ में नहीं आया? ये समझ में आया कि मैंने मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला बेटा? यस मैम ये चीज तो क्लियर है मैम, अभी आपने ATM में लिया था ये, फिर बार में आपने कैसे कन्वर्ट करा? सुनो सुनो सुनो, देखो वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन में आपको मेंशन नहीं है, मतलब वैसे तो आपको ऑप्शन दिए होंगे पेपर में, इस क्वेश्चन में ऑप्शन मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन में आप देखते ही पता लग जाएगा कि आपसे बार में पूछा हुआ है, किलो बार में पूछा हुआ है, एटमॉस्फेयर में किसी में पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैं मान के ये चल रही हूँ कि ये बार में पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बोल के चलूं कि बार में पूछा हुआ है, लेकिन मेरा आंसर किस में आएगा? एटमॉस्फेयर में आएगा, तो 1 एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली 1 बार के इक्वल ही होता है। अभी समझ में आ गया मैम? 285 आ रहा है मैम। रुको मैं सॉल्व कर लेती हूँ एक बार, रुको मैं मेरे पास मैम 285 आ रहा है, 285 एक मिनट रुको, कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं भी सॉल्व कर लेती हूँ। मैम 1 की जगह जब 0.987 रखोगे तब 282 आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो 282 आएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे ही रख के देखूं तो आ रहा है आंसर 285 point something आ रहा है। कोई बात नहीं मैं ऐसे रखूंगी, तुम्हारे एनसीईआरटी में आई थिंक एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है 282 करके, है ना, उसने 1 एटमॉस्फेयर को एग्जैक्ट 0.987 बार लिखा है, आप 1 बार भी अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अभी क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क। यस मैम। होमवर्क मैं बता देती हूँ, इन क्वेश्चन में है क्या, कैसे क्या पूछा हुआ है। आप लोगों को गैसेस दी हुई है अल्फा बीटा गामा डेल, नाम लिख के नहीं दिया है कि कौन सी पर्टिकुलर गैस की वो बात कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग KH की वैल्यूज हैं, राइट। आपको क्या करना है, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना, बता दोगे? ओके मैम। यस मैम। सोल्युबिलिटी मतलब किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, वैसे ऑर्डर में ऑर्डर बताना है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में वो आपको ये बोल रहा है कि द सोल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 300 केल्विन N5 under 2 पार्शियल प्रेशर पे इतना है, यानी कि सोलिबिलिटी जो N2 की उसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, सोलिबिलिटी दी हुई है आपको 750 टोर पे, उसकी सोलिबिलिटी निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? P1/P2 ये लगाओगे, हो जाएगा। मामी दोबारा समझा दो, समझ में क्या है क्वेश्चन। चलो मैं ये बोल रही हूँ, सोल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 300 केल्विन एंड 500 टोर, यानी कि मैं P1 मान लेती हूँ कितना दिया हुआ है 500 टोर, और सोल्युबिलिटी कितनी दी हुई है ग्राम पर लीटर में दी हुई है, क्लियर है बेटा?
आपसे पूछा है सोलिबिलिटी ही निकालनी है ग्राम पर लीटर में, लेकिन जब प्रेशर कितना हो गया 752, यानी कि प्रेशर क्या है बढ़ गया है तो सोलिबिलिटी भी बढ़ गई। क्या हुआ बेटा? मैम ये तो होमवर्क था, क्लीन कर रही है, वो थोड़ा हिंट दे दिया ना, आप सॉल्व कर लेना। कोई बात नहीं, कर लेना, इतना अत्याचार थोड़ी ना करूंगी तुम लोगों के ऊपर। आओ, लिमिटेशन क्या है हेनरीज लॉ की? मैम ये करनी जरूरी है क्या, बस फॉर्मेलिटी के लिए? हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर की वैलिड है। देखो सबसे पहला ये है, सिंपल याद करना, और कहीं आपसे कोई नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ऐसे याद रख लो कि जो प्रेशर है गैस का बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ये किसकी होती है, तब गैस कैसे बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह? बोलो। यस मैम। यस मैम। गैस जो आप ले रहे हो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर सपोज मैंने CO2 लिया है, ठीक है, अगर मैं उसको पानी में डिसोल्व कर रही हूँ तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहती है, लेकिन अगर मान लो आपने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया तो CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेता है H2CO3, और अगर ये कर दिया उसने बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे तो भैया हेनरीज लॉ काम नहीं आएगा। ठीक है, तो गैस किसी भी तरह का केमिकल चेंज में नहीं, मतलब केमिकल रिएक्शन के अंडरगो नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। पता चले आप वो ले रहे हो HCl और वो डिसोसिएशन होके H+ और Cl बना रही है, मतलब ऐसी आपको गैस नहीं लेनी है। सिंपल ये याद रखो, गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा ना कोई पूछेगा आपसे, ठीक है, और ना आपको बताना है। हमें मेन ध्यान रखना बच्चे क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको रीड आउट करो करो करो। हाँ, पहले निकालिए 0.13 मोल प्रियांशु, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों का तो फेवरेट है ही है, और NCERT में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, हर जगह आता है, हर जगह इसके चर्चे हैं। देखो, N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर, हाउ मेनी मिलीमोल, ध्यान से देखना बेटा, मिलीमोल पूछे अब, मिलीमोल ऑफ N2 गैस विद डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, कितना मिलीमोल है N2 गैस का वो डिसोल्व होगा 1 लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम करना है कि जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ N2 का वो 0.987 बार है, ठीक है, और जो हेनरीज कॉन्स्टेंट है वो कितना दिया हुआ बच्चे? मैम 0.987 को 1 ले ले? हाँ ले सकते हो, थोड़ा सा आंसर में चेंज आ जाएगा, बट अभी तुम अगर पेपर में आया तो 1 ले लेना, बट अभी तुम कैलकुलेटर से कर लो। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा बच्चे, मोल फ्रैक्शन निकालना। यस मैम। तो बस निकाल लो कितना होगा मोल फ्रैक्शन, किलो बार में है ना, बार में चेंज कर लेना उसको, वरना आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिट लेस होता है, राइट? तो 76.48 × 10³, तो बार से बार क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, कितना आएगा आंसर, एक बार निकाल के बता दो। क्या दीपक बेटा? मैम 0.0 उसमें लिख 0.012 × 10⁻¹ मैम 0.1 × 10³ चैट बॉक्स में लिख दो जिसका जो आंसर आ रहा है। मैम 0.012 × 10⁵ ठीक है, इतना मोल फ्रैक्शन में मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, लेकिन निकालना क्या आपको, निकालना क्या है, मिली मोल्स निकालने हैं N2 के, यानी कि मोल फ्रैक्शन से काम नहीं चलेगा भाई, इसके मोल्स निकालो, तो क्या हो जाएगा देखना इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 1 लीटर ऑफ पानी में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, 55.5। मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को नेग्लेक्ट भी तो कर सकते हैं क्योंकि वो स्मॉल होगा, तो कर दो, मैंने मना थोड़ी ना किया, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब जो ये आंसर आएगा, ये मोल्स आएंगे, मिली मोल में चेंज करने के लिए पता है ना क्या करना है, 1 मिली मोल इज इक्वल टू की पावर -3 मोल। यस मैम। यस मैम।
मैम हो जाएगा। वैसे इसका सॉल्यूशन भी है बेटा, आप देख सकते हैं 0.716 मिलीमोल आंसर आएगा इसका, ठीक है? यस मैम। ओके, तो हेनरीज लो क्या मैं मान सकती हूँ, समझ में आ गया जितना समझाया? यस यस मैम। ठीक है, तो अभी हमारे पास अपनी क्लास कब ओवर होती है? 9:45। कोई नहीं, अभी फिर टाइम है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं ना, आज थोड़ा सा वेपर प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं ना। यस मैम। ओके, तो देखो वेपर प्रेशर से पहले मैं तुम लोगों को समझाना चाहती हूँ वोलेटिलिटी क्या होता है। वोलेटाइल होता है वो लिक्विड जो मैम रूम टेम्परेचर पे वेपर बन जाता है, लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर फेस में आने की टेंडेंसी रहते हैं। ठीक है वो उसकी क्या कहलाती है, वोलेटिलिटी पावर है। या अगर गुंजन बोला मैं वोलेटाइल होता है, लो मैं यहाँ पे वोलेटाइल लिख देती हूँ, है ना, वोलेटाइल सोलवेंट। ठीक है, ऐसा सोलवेंट जो रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, वेपर फेज में आने की टेंडेंसी रखता हो, उसी को ही आप वोलेटाइल सोलवेंट बोलोगे। बोलो हाँ या ना। अगर कोई सोलवेंट उड़ेगा, मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगी बहुत ज्यादा राउल्ट लॉ में, जब मैं बोलूंगी उड़ेगा उड़ेगा बहुत ज्यादा बोलने वाली हूँ। एक बार बताओ, जो सोलवेंट उड़ेगा मतलब जिसकी टेंडेंसी है उड़ने की, ठीक है, वही तो क्या करेगा, वेपर प्रेशर भी लगाएगा। अगर मान लो एक कंटेनर है मेरा, पहले तो वो खुला था, अगर वो उड़ेगा तो भैया उड़ी जाएगा, जैसे पानी है वोलेटाइल है ना, नेल रिमूवर यूज करते हो है ना, हाथ पे रखते हो तो उड़ जाता है। यस मैम। लेकिन मैं क्या करती हूँ, ऊपर से ढक्कन बंद कर देती हूँ, ढक्कन बंद करूंगी तो जो ये मान लो लिक्विड है वो क्या है, वेपर बनने की टेंडेंसी है, तो जैसे ही वेपर फेज में आएंगे तो क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, प्रेशर लगाएंगे, और जैसे ही वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या करेंगे, वापिस आएंगे नीचे, यानी कि कंडेंस होंगे। बोलो हाँ या ना। तो मैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बोल सकती हूँ, लिखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय, यहाँ पे लिखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड एट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, हाँ आगे बोलो, सही बोल रहे थे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ द लिक्विड एट द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम, बस खत्म। यस मैम। यस मैम। यानी कि हो क्या रहा है, इवेपोरेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। बहुत बढ़िया, बड़े इंटेलिजेंट हो तुम लोग, इस हिसाब से चले तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो तुम्हारा एंथुसियाज्म है वो पूरा एक साल मेंटेन रहना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। हम फिजिक्स वाले सर भी ऐसे बोलते हैं, सर ने ऐसे ही कह रहे थे। ठीक है, तो हम वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, थोड़ा तो सोच मिलेगी ना हम दोनों की। yes, तो वही है, अगर ये एंथुसियाज्म तुम्हारा पूरे साल रहेगा तो सच बोल रू तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है थ्योरी थ्योरी करो, मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट थ्योरी, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। यस। तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होगा। देखो आपको क्या करना है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, अभी तो तुम्हारे पास पूरा टाइम है, एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेना चाहते हो तो फिजिकल की रेफरेंस बुक प्रदीप बहुत बेटर है, बहुत मैंने पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी है, पढ़ सकते हो अगर एनसीईआरटी से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एनसीईआरटी में कम दिया होता है थोड़ा, है ना, मतलब टॉपिक तो वही करने हैं आपको लेकिन डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, तो उसको अच्छे से करेंगे। जो आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, मॉड्यूल भी अभी मैंने शेयर किया है, वो करेंगे। ये सब करने के बाद लास्ट में सिर्फ एक काम करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, खत्म। और वैसे भी जो मैंने आपको मॉड्यूल दिए हैं उसमें ही आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, बट अपना एक बुक ले लो, बुक नहीं लेना चाहते तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको एमटीजी की बुक ले लेना। यस मैम, सही रहते हो बहुत। 30-33 इयर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, सारा चैप्टर खत्म होने के बाद उसको ट्राई कर लो, या अगर टाइम ज्यादा है तुम लोगों के पास तो एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो,
क्योंकि एमटीजी में मतलब नीट का क्योंकि एक साल में एक ही बार पेपर होता है तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे पर्टिकुलर चैप्टर के, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आपको मॉड्यूल दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ ये जो ग्राफ बना हुआ है वो ठीक है क्या, रेट वर्सेस टाइम? मुझे तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तुम बताओ। हाँ मैम रेट ऑफ कंडेंसेशन तो दो जगह है, ऊपर इवेपोरेशन होगा। वेरी गुड, ठीक है, यानी कि वेपोरेशन का रेट तो सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज में आएंगे तो जितना ज्यादा होंगे वो जितना ज्यादा होंगे ऊपर वेपर फेज में उतना ज्यादा क्या है कंडेंस होके नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है एट, जल्दी बोलो, वेपर प्रेशर का समझ में आया? यस मैम, यस मैम। वेपर्स उड़ेंगे उड़ेंगे टकराएंगे वापिस आएंगे, बस खत्म, उड़ेंगे टकराएंगे वापिस आएंगे खत्म। क्यों करवा रही हूँ वेपर प्रेशर, क्योंकि जब तक मैं वेपर प्रेशर आपको नहीं बता पाऊंगी तब तक मैं आपको राउल्ट लॉ नहीं समझा पाऊंगी, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी नई नई बातें बोलूंगी, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, फिर वहां पे मैं एग्जाम्पल भी लूंगी प्याज का और लहसुन का, ऐसे करके हम वो समझेंगे, लेकिन कल समझेंगे, कल आप लोगों की मेरी क्लास है ना, ठीक है। Yes, उससे पहले हम ऐसा छोटू सा टॉपिक देख रहे हैं वेपर प्रेशर, क्वेश्चन नहीं आता है बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो गैस इन लिक्विड पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप लोगों को वेपर प्रेशर का मतलब पता होना चाहिए। अब मैम वेपर प्रेशर डिपेंड कर किस पे करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, सेकेंड वन इज टेम्परेचर। मैम टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर मैंने एक बीकर लिया हुआ है ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, ठीक है, उसका जो जो सॉल्वेंट लिया वो वोलेटाइल है वो उड़ रहा है, लेकिन अगर मैं भैया हीट दे दूं उसको तो वो और ज्यादा उड़ेगा, है ना, जल्दी उड़ेगा, है ना, हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, ठीक है, और ज्यादा प्रेशर लगाएगा वेपर प्रेशर, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी क्या होगा मेरा इंक्रीज होगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बच्चे ना बहुत गलतियां करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तुम लोग ये बोलते हो कि मैम वो वाला पॉइंट जिसपे लिक्विड क्या है वेपर फेज में आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो आप आधी अधूरी इनकम्प्लीट डेफिनेशन बोलते हो। जब आपका जो आप पानी बॉयल करते हो तब बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर बाहर के एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब आप बोलते हो वो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का। ये क्यों बता रही हूँ, जब मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सिखाऊंगी, वहां पे मैं दोबारा बार बार ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी कि इसका वेपर प्रेशर नहीं हुआ ना एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर, इसका हो गया ना ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो कोई बताएगा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? मैम वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जब आप जो वो पानी को उबालते हो, जो आप बोलते हो पानी को बॉइल करते हो 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, तो वो कब बॉइल करता है, जब आप उसको गर्म कर रहे हो, उसका जो जब वो वेपर बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर है उसका पानी का बाहर के एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब आप बोलोगे वो पानी क्या होने लग जाएगा बॉयल होने लग जाएगा। सेकंड बच्चे है लिक्विड का नेचर कैसा होगा, लिक्विड का नेचर डिपेंड करता है कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। अगर आपने ऐसा लिक्विड ले लिया कि भैया जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोस्ती बहुत गहरी है, तो भैया तोड़ के दिखा दो उस अट्रैक्शन को, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लिया जिसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोस्ती गहरी नहीं है, तो कम टेम्परेचर देने पे ही वो वेपर फेज में आने की टेंडेंसी रखेगा, वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा, ठीक है। बोल सकती हूँ मैं, जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें CCl4 ये क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है पानी से, क्यों, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल में आपस में क्या होती है हाइड्रोजन, जबकि इसमें क्या होते हैं वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। यस मैम, नॉन वोलेटाइल है ना क्या CCl4? वोलेटाइल है बेटा, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। यूरिया और वो तो समय नॉन वोलेटाइल है, जो उसमें डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। कहां पे बढ़ा देते हैं बेटा, क्या मैम, क्या फिर बोलो निगम मैम, अगर मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे तो उसमें यूरिया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल देंगे, जैसे हम सॉल्ट हो गया या फिर यूरिया, हाँ उससे वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। यस मैम, हाँ वो आगे चल के बताऊंगी जब मैं राउल्ट लॉ आपको सिखाऊंगी, है ना मैम। क्लोरोफॉर्म वोलेटाइल होता है,
हाँ ठीक है, CCl4 क्या है आपका, वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा होता है वाटर से, क्योंकि आपको पता वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, देन उसमें भी पोल फोर्स है, तो CCl4 का प्रेशर क्या हो जाएगा इसमें, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पानी उड़ता है, CCl4 भी उड़ता है, क्लोरोफॉर्म भी उड़ जाएगा तुम लोगों का। अच्छा, उसके बाद आता है राउल्ट लॉ। देखो राउल्ट लॉ मैं अभी नहीं समझाऊंगी आप लोगों को क्या होता है, सिंपल एक छोटी सी चीज आज आपको समझा देती हूँ। ये देखो, जैसे अभी निगम ने बोला, जैसे मान लो यहाँ मैं बना देती हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ, डिटेल में कल दोबारा से बताऊंगी। ये आपका सॉल्वेंट है, सपोज पानी है, ऊपर से बंद है ना, आपने लिड लगाया हुआ है, सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है पानी, वेपर प्रेशर लगाएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, और क्या होगा, सरफेस पे भी होंगे पानी के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के सरफेस पे भी होंगे, वेपर प्रेशर ठीक है उनकी वजह से ज्यादा लगेगा होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट में आप सोल्यूट डाल रहे हो, नॉन वोलेटाइल, कौन सा वो भी जिसका उड़ने की टेंडेंसी नहीं है, जिसकी उड़ने की टेंडेंसी नहीं है। तो पहले जहां पे सिर्फ सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स थे, अब वहां पे सोल्यूट के भी भैया पार्टिकल्स आके बैठ गए हैं। पहले जो सारा वेपर प्रेशर, तो जो सारा वेपर प्रेशर पहले सॉल्वेंट की वजह से था, अब क्या हो जाएगा भैया, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्सकेप नहीं होने देगा, यानी कि सोल्यूट के आने से सॉल्वेंट के एक्सकेप होने की टेंडेंसी हो गई है कम, और अगर हो गई है कम, तो जो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपेरिजन में हो जाएगा कम कम। When we add non-volatile solute in volatile solvent. हाँ, यही बताया था मैंने। Keep giving me thumbs up. देते रहो। ठीक है, अगर ये हो गया तो राउल्ट लॉ तो मैं कल ही करवाऊंगी। आप एक काम कीजिए, जितना हमारे पास टाइम है, आपको जो ये मैंने क्वेश्चंस घर देने के लिए मतलब करने के लिए किए थे, वो आप अभी करेंगे, मुझे क्वेश्चन वन करके दिखाएंगे आप लोग, एंड उसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं बताएंगे चैट बॉक्स में, आप हैंड रेज करेंगे ठीक है, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हो। अल्फा 50 है केएच की वैल्यू, बीटा है, बीटा की वैल्यू है 2, गामा की वैल्यू है 2×10⁻¹, डेल्टा की है 0.5। अजय आप बताओ, अजय संदे, हाँ इतना टाइम लगेगा तो चलेगा नहीं, संध्या, सपना, सपना सॉरी सपना, हाँ मेघा, देखो बोलना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है कि मैम बोलेंगे, हम चैट बॉक्स में बोलेंगे तो मैम, मैम सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी गामा की है, फिर डेल्टा की, फिर बीटा और फिर अल्फा। ठीक है, जिसका केएच वैल्यू सबसे कम है उसी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी सबसे ज्यादा, क्या ये सही बोला है मेघा ने? यस मैम, यस मैम। तो एक आपका चार नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर टू पे आओ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप मुझे इसका आंसर बताओ कि 750 टोर के लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी, चैट बॉक्स में आंसर करना। ओके मैम। अच्छा, और मुझे, चलो पहले ये कर लो, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। मैम वो क्वेश्चन तो दिखा दो एक बार। अच्छा सॉरी बेटा, कहाँ गया वो क्वेश्चन? मैम बताऊँ आंसर? किसने निकाल लिया, साक्षी ने? 0.015 आ रहा है। यस मैम, 0.025 आ रहा है। चलो देख लेना, जिसका 0.025 आ रहा है, 2.5 नहीं आ रहा, 1.5 आएगा। अच्छा लो, ठीक है।
हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है ओके तो ठीक है आज के लिए बहुत है इतना। क्या और पढ़ना है मैम? इतना रहने दो बस, पढ़ा लो मैम। ठीक है अच्छा आज क्या करोगे फिर? सारा रिवाइज करोगे और जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू हेनरीज लॉ एंड रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म्स उनको आप सोल्व करेंगे। नहीं आएगा तो मैंने जो ग्रुप दिया है उसमें आप शेयर करेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो उस ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है? राधिका आप कहाँ थे बेटा आज लेट आए? नो मैम 8:20 तक आ गए, 2022 तक आ गई थी। अच्छा 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 ओके। मनीषा सिंह मैम अच्छा लगा क्लास में, डेली ही अच्छा लगना चाहिए तभी मजा आएगा वरना तो मैम क्लास ओवर हो गई। हाँ मैम बाय मैम ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम हम कह रहे थे एक बार ना आपको एक रिवीजन करा दीजिए थोड़े से प्रीवियस सेशन पूछ ली ताकि हमें पता चल जाए कितना हमें याद है कि नहीं। देखो देखो एक बार म्यूट कर लो खुद को जल्दी। सुनो मैंने अभी तक आपको तीन क्लासेस में क्या करवाया बच्चे? पहले दो क्लासेस में मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स कराई है राइट, जिसमें मैंने yes. मेरा मेन फोकस था वो मोलैरिटी मोलैलिटी पे था। मोलैरिटी आपका ये बोलता है कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट है एक लीटर सोल्यूशन में, वो आपकी मोलैरिटी होती है। उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, अलग अलग तरीके से कैसे सोल्व करेंगे वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा। ठीक है उसके बाद थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है उसके बाद क्या होगा? मोलैलिटी मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो आप देखते हो कि एक केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अलग, उसके ऊपर से एक केजी सॉल्वेंट अलग। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मोलैलिटी जो है वो ज्यादा अगर एक मोलल सोल्यूशन है और एक मोलर सोल्यूशन है तो मोलल वाला डायल्यूट होगा, मोलर वाला कंसंट्रेटेड होगा, है ना। नॉर्मैलिटी में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन। यस मैम ये बताया था मैंने। अच्छा तो मैंने ये और भी बताई थी मैंने मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीएम, ppm में ppm क्या होता है, उसके अलावा मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करवाई थी सेकंड डे रिलेशन बताए थे मोलैरिटी मोलैलिटी के बीच में, वो स्लाइड में है उसको लर्न कर लेना। अगर आप क्वेश्चन चाहते हो कि मैम वो जल्दी अटेम्प्ट कर लूं क्वेश्चन नीट में तो वो रिलेशनशिप ध्यान रख लेना वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम वैसे भी निकाल सकते हो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, यही तो करना है। नीट में पेपर इजी रहता है लेकिन जो मेन वो बोलते हैं ना फैक्टर प्ले करता है हमारा, वो करता है स्पीड, हमारा टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो आपको 11th में भी बताया गया होगा टीचर्स के थ्रू कि टाइम बहुत मैटर करता है नीट में। तो आपने एक साल आई होप कि अच्छा टाइम मैनेज किया होगा, अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप टाइम मैनेज करते हुए चलो, नहीं तो नीट के में जब लास्ट टाइम आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे तो वहां पे सब कुछ आता भी होगा लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे। क्लियर है? यस मैम। उसके अलावा मैंने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई थी सेकंड डे, आज हमारा थर्ड डे था क्लास का जिसमें मैंने हेनरीज लॉ करा। हेनरीज लॉ में मोटा मोटी यही बात है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी। ठीक है अब आप सोल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन ग्राम पर लीटर मोल पर लीटर की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। केएच हेनरीज कॉन्स्टेंट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, गैस कैसा लिया है आपने उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच बढ़ेगा और केएच बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। पी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर था। फिर हमने इसका ये ग्राफ देखा, बहुत इजी सा था, है ना। और ये कुछ इसके फॉर्मूले लिखे थे, पांच फॉर्मूले लिखे थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो। उसके बाद हमने टेम्परेचर पे इफेक्ट देख लिया था। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन तीन मेजर एप्लीकेशन है, एक तो कोका कोला वाली बोतल, ठीक है, जिसमें जो CO2 गैस है वो हाई प्रेशर के अंदर जो है हाई प्रेशर लगा के जो अप्लाई करके उसके अंदर डिजोल्व की जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसको लिड को खोलोगे तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो एकदम से CO2 क्या आएगी करके बाहर आएगी। ठीक है फिर आप उसको मजे से पीते हो, थोड़ी देर में रख दोगे तो सारी CO2 गैस निकल जाएगी बिकॉज प्रेशर हो चुका है लो, सोलिबिलिटी हो चुकी है उसकी खत्म। क्लियर है?
फिर मैंने एग्जांपल दिया था कि मैम नीचे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, जो गैस N2 गैस हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती है वो भी होने लग जाएगी, और अगर आप एकदम से ऊपर आओगे तो फिर वो क्या करेगी, बेंस नाम की डिसीज है वो हो जाएगी आपको, जिसकी वजह से वो डेथ भी हो सकती है। तो आपको सेफली ऊपर आना है, इसके लिए क्या है स्कूबा डाइवर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं जिसमें तीनों गैस होती है, क्योंकि जैसे आप नीचे जाओगे ज्यादा ऑक्सीजन अगर आप इनहेल करते हो और वो ज्यादा सोलिबिलिटी हो गई उसके आपके ब्लड में तो वो भी डेंजरस होती है। उसी की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए N2 को जो है उसमें फिल किया जाता है। अब आपको पता है N2 भी डेंजरस है तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हीलियम यूज किया जाता है एज ए डाइल्यूटेड। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद एक लास्ट थी, हाइट्स पे जाओगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका कम होता है, ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी ब्लड में डिक्रीज हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाई तो क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ये सब जैसे डिजीज होंगी जिसको आप एनोक्सिया भी बोल रहे थे। तो ये सब जो मैंने आज कराया है, कुछ क्वेश्चंस 3-4 मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, तो बस यही आपको करना है। मैम मैं बताऊं, माउंटेन बाइक जो रहते हैं क्या क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, राइस खाते हैं, एप्पल्स जो है, हाँ एप्पल से याद आया, एप्पल बहुत खाते हैं, जो प्रोटीन वगैरह से ज्यादा रिच हो। ठीक है, तो ओके, प्रोटीन हो, ठीक है, ओके मैम, कल हम मिलेंगे, कल हम मिलेंगे न्यू